हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ये पीकू स्कूल में चले जाने के बाद में मैंने स्टार्ट किया था। पीकू जब स्कूल में जाती है उसका टिफ़िन बनाना, उसको रेडी कराना, उसको चोटी वोटी बनाना होता है, उसका बैग एक बार चेक करो, उसका बास्केट पैक करो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मुझे तो डर लगता है अभी से ही कि अगले साल से तो टप्पू भी जाने वाला, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी दोनों को। तो विवेक होते हैं तो इतना टेंशन नहीं होता, बट जिस दिन विवेक नहीं होते हैं तो फिर मेरी बैंड बच जाती है। यहाँ पे मैं भी बर्तन भी खाली कर रही हूँ, काउंटर भी क्लीन कर रही हूँ। मेरा क्या है ना, मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, मुझे बहुत फास्ट फास्ट में बनाने की आदत है, सारी चीज़ें एक साथ बना के रख लेती हूँ मैं। तो मेरा काउंटर इतना ज़्यादा फैल जाता है ना सब यहाँ वहाँ, क्योंकि आप फास्ट फास्ट बनाओगे तो सब यहाँ वहाँ पड़ा ही रहेगा, और सब कुछ होने के बाद ही हम लोग उठाते हैं। तो यहाँ पे आज पीकू की फरमाइश पे बनी थी इडली। पीकू ने कहा था उसको इडली और सांभर टिफ़िन में लेके जाना है, और कल के बर्थडे के थोड़े नमकीन बचा हुआ था तो मैंने उसको वो भी एक टिफ़िन में पैक करा के दे दिया, और सिर्फ मैंने उसी के टिफ़िन के हिसाब से ही बनाई थी, और मतलब एक राउंड बना लिया था और बाकी फिर रख दिया था। तो अभी हम लोग बना रहे, पीकू स्कूल चली गई है तो अभी आराम है मेरे लिए। तो विवेक जो है वो खाएंगे नहीं इडली सांभर, तो इसीलिए मैं उनके लिए जो है ना रोटियां बना रही थी, पराठे। तो काम वाम किए मैंने, खाने का देखा, विवेक ने बाकी के काम देखे। ऐसे करते करते आज हम लोगों के काम बहुत फटाफट से हो गए, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक साथ में मिलके जो है नाश्ता करने बैठ गए। तो ये देखिए, ये बनाई है इडली मैंने, तो ये सूजी की बनाई है मैंने, दाल वाल नहीं भिगोई थी क्योंकि रात में उसने बताया तो कहाँ से कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे विवेक खा रहे हैं कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी और रोटी, मैंने उनके लिए पराठे और कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी बनाई थी, और मैंने लिया इडली और सांभर, और इसी के साथ मैं चावल खाऊंगी अगर मुझे खाना होगा तो। पीकू को, मुझे, टप्पू को, हम लोगों को इडली सांभर बहुत पसंद है, बट विवेक नहीं खाते हैं सांभर वड़ा इडली। अप्पे तो फिर भी थोड़े बहुत खा लेते हैं, और विवेक तो अभी 9:15 बस तैयार है और मेरे सारे काम जो है वो हो चुके हैं। आज जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी से काम हो गए हैं, विवेक ने थोड़ी सी हेल्प करा दी। विवेक सुबह से जो है ना, जब से पीकू को छोड़ के आए, मेरे पीछे लग गए थे कि चलो नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता कर, क्योंकि विवेक को पता था आज मेरा फेवरेट नाश्ता है, तो मुझे मतलब मैं करूँगी ही नाश्ता। मैंने कहा आप खा लो फिर मैं खाती हूँ, तो नहीं खा, वो मेरे लिए रुके रहे। मैंने फटाफट से नहाया धोया और फिर हम लोगों ने साथ में मिलकर नाश्ता किया। मैंने भगवान के पास दिया भी जगा दिया है, और कल मेरा मंदिर इतना अच्छा लग रहा था, मैंने पूरा देखो फ्लावर से जो है ना मंदिर सजाया था, सीरीज वीरीज लगाए थे, और पूरे जितने भी अंदर दिए दिख रहे हैं ना आपको, सारे दिए मैंने लगाए थे, आप लोगों को कल के वीडियो में दिख ही गया होगा। बहुत अच्छा मंदिर लग रहा है, क्योंकि बच्चों का बर्थडे है, हम लोग बच्चों को सजाते हैं, घर सजाते हैं, तो भगवान का भी घर सजाना ज़रूरी है, भगवान को भी सजाना ज़रूरी है। मैंने कल सारे भगवान जी धोए, परसों ही धोए थे मैंने, टप्पू के बर्थडे के दिन ही सारे भगवान जी धोए, भगवान जी के जितने बर्तन थे वो धोए, पूरा मंदिर वंदिर साफ करके सब सेट करके रख दिया था। मेरी गाड़ी का जो है ना टायर में भी पंचर है, या पता नहीं हवा वगैरह कुछ कम होगी, उतना कुछ ये नहीं, मैं गाड़ी चलाती हूँ बट गाड़ी का जो है ना मैं ध्यान नहीं रख पाती हूँ, एंड समझ में भी नहीं आता है उतना कुछ चीज़ें मुझे, तो विवेक चेक करते रहते हैं। अभी जो है ना आज से मैं लेने जाऊँगी ना पीकू को, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी की, वरना अभी तो ऐसी रखी रखी थी घर पर, तो गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे अभी। तो विवेक बस वही चेक कर रहे थे गाड़ी का कि क्या है क्या नहीं, तो विवेक ने कहा कि आगे वाला टायर जो है मैं भी पंचर लग रहा है, तो विवेक लेके गए हैं, देखते हैं वो रिपेयर कराते हैं या सिर्फ हवा भरने वाला काम है। तो ये सारी चीज़ें, पेट्रोल भरना, मेरी गाड़ी की सर्विस सब कुछ ये विवेक का काम होता है, मुझसे नहीं होते ये सारी चीज़ें, मैं बस गाड़ी चला लेती हूँ, पेट्रोल भी ख़त्म होते आता है ना, मेरा ध्यान ही नहीं होता है। तो मैं जो है ना, मैं ईयरिंग जो है ना अपनी इस बार थोड़े से चेंज कर रही हूँ, मैं वो लंबे वाली ईयरिंग पहनी थी, अभी ये पहन रही, वो पहन पहन के बहुत बोर हो गई, सोचा ये वाले पहन, बट ये बहुत छोटे छोटे हैं ना, वो वाले लंबे वाले हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं ज़्यादा, बट ये मैंने स्पेशली डेली यूज़ के लिए लिए थे लास्ट दिवाली, किसी ने ब्लॉग देखा होगा तो वो पता होगा। कल जो है ना टप्पू के बर्थडे के लिए मैं ज़्यादा कुछ रेडी हुई थी, बस एक ईयरिंग पहना, लिपस्टिक लगाई, बस बाकी कुछ रेडी नहीं, एक हाथ में वॉच पहना मैंने, क्योंकि कुर्ती ऐसी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सिंपल लुक रखा जाए, और टप्पू भी बहुत परेशान कर रहा था, तो फिर मैंने कल मेरी जो लंबे वाले गोल्ड के ईयरिंग है वो निकाल के रखे थे, तो अभी मैंने ये पहले पहन लिए हैं, एकदम छोटे हैं, नाजुक है, बट जो मेरा फेस थोड़ा सा बड़ा है ना, तो इसीलिए फिर मेरे फेस पे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए अभी मैं बैठ के वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, बहुत से काम है मुझे, मैं वो अपने सारे काम निपटाती हूँ, थोड़ी देर में आप सबसे मिलती हूँ। तो अभी जो है ना 12 बजते आ चुके हैं, और ये देखिए 12 बजते आ चुके हैं, और टप्पू उड़ गया था, और हम लोग अभी जो है ना केक की पार्टी कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी प्लेट है केक की, यहाँ पे टप्पू की प्लेट है, टप्पू केक खा रहा है ना बाबू। टप्पू को और पीकू को जो है ना ये केक के ऊपर जो ये फ्लावर होते हैं ना ये बहुत पसंद आते हैं, तो ये लोगों को मैं फ्लावर निकाल निकाल के देती हूँ, मैं बाकी का लेते जाती हूँ, है ना बाबू,
हेलो बाबू, बाय 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 बाय, आई लव यू। तो टप्पू उठ गया था काफ़ी टाइम पहले, उसके बाद में उसी के साथ खेलना, उसका नहाना धुलाना, ब्रश कराना, फ्रेश कराना। आजकल जो है ना आधा से ज़्यादा दिन मेरा जो है ना टप्पू के साथ खेलने में चला जाता है। इस एज में क्या होता है ना, बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं दिन भर, यहाँ वहाँ भागना, खेलना, कूदना, उनको सोना पसंद नहीं, उनको एक जगह पर बैठना पसंद नहीं होता है। तो उसके साथ साथ मैं भी यहाँ वहाँ भागती रहती हूँ। एक तो हम लोगों ने कल जितने भी बलून्स ब्लो किए थे ना, तो सारे बच्चों को बांट दिए, कुछ जितने बच्चे हैं ना उसके साथ टप्पू जब से खेल रहा है, बाहर बलून जाते फूट जाते, फिर वो चिल्लाने लगता है, फिर दूसरा बलून उठा के लाता है। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम से इसके साथ ही खेल रही थी। तो फिर अभी मैं इसको खाना वाना भी मैंने खिला दिया है ऑलरेडी, मैंने इडली बनाई थी ना, इडली खिला दिया है। फिर अभी मुझे याद आया कि कल का केक है, तो मैंने सोचा चलो दोनों मिलके हम लोग केक खा लेते हैं। तो चलो केक खाते हैं, फिर हम लोगों को पीकू को भी लाने जाना है। का बाबू? सो अभी जो है ना 8:30 बजते आ रहे हैं, और मैंने जो है ना उसके बाद में व्लॉगिंग नहीं किया। पीकू को लेने गई थी, उसको लेके आई तो पता चला कि उसका बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग में है, क्योंकि कल पीकू छुट्टी पे थी, कल गई नहीं थी, तबीयत खराब थी उसकी। तो और कल ही हम लोगों ने टप्पू का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, फिर उसको दोपहर से अच्छा लग रहा था। तो कल टीचर ने बहुत कुछ पढ़ाया था एंड उसका बहुत सारा होमवर्क था। फिर हम लोग उसके फ्रेंड के यहाँ गए, यहीं बाजू वाले बिल्डिंग में उसकी फ्रेंड रहती है, वहाँ गए, उसके होमवर्क के सारे जो है उसके कॉपी की मैं मोबाइल में फ़ोटोज़ क्लिक करके लेके आई, और फिर घर में बैठ के क्लिक किए हुए मोबाइल में फ़ोटोज़ को समझ में नहीं आ रहा किस सब्जेक्ट के क्या है। तो मैंने पहले एक नोटबुक पे लिख के दिया उसको, देन उसमें से उसने अपने नोटबुक पे, फेयर नोटबुक पे जो है ना उसको कॉपी किया इस तरीके से उसका, बैठ के जो है ना मुझे 6:30 उसका होमवर्क कराते कराते। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे इन लॉस के यहाँ पे, अभी जस्ट वहाँ से वापस आए हैं। तो अभी मैं बस खाना बनाने का सोच रही हूँ, राइस है मेरे पास सुबह के पड़े, तो उसको मैं जीरा राइस करा लेती हूँ, और सब्जी बनाऊँगी। तो सब्जी के लिए जो है ना विवेक के मम्मी ने जो है ना बड़ी दी है, जो दाल बड़ी होती है ना खट्टी वाली, एक खट्टी वाली एक नॉर्मल वाली बनती है, तो मुझे खट्टी वाली दाल बड़ी जो है ना वो दाल वाली बहुत पसंद आती है, तो उनके पास थी रखी। तो मैं वैसे सब्जी लेके आ रही थी, उनके यहाँ सब्जी बनी थी, बट विवेक ने नहीं लेने दिया। आदमी लोग इतने ये है ना कि शादी होने के बाद में उनको माँ के हाथ का भी नहीं पसंद आता। मैंने सोचा मेरा थोड़ा सा हल्का हो जाएगा काम, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ पीकू का पढ़ाई लेते लेते, मेरा सर दर्द दे रहा है, और उसी के साथ में टप्पू ने जो है ना यहाँ पे मुझे मार दिया। अभी स्वेलिंग कम हो गई है, जब भी बहुत स्वेलिंग थी यहाँ पे, मैं नीचे देख के जो है ना पीकू को पढ़ा रही थी, टप्पू के हाथ से लॉक नहीं खुला मेरे मोबाइल का, ये जो मेरा नया वाला मोबाइल है बहुत हेवी है, उसने उठाया और धप से दिया यहाँ पे, मेरा ध्यान नहीं था। तो देखो यहाँ पे स्वेलिंग है ना, अभी थोड़ी कम हो रही है, फिर भी बहुत यहाँ से ये पूरी नस मेरी यहाँ तक ऐसी दुख रही है। तो इस वजह से ना मैंने कहा कि मम्मी बोल रहे थे कि मतलब आई जो है ना वो बोल रहे थे विवेक की मम्मी कि लेके जाओ तुम सब्जी लेके जाओ करके खा लो, बोले तो विवेक खाने को भी रेडी नहीं थे, सब्जी लेके जाओ बोले, मैंने ठीक है सब्जी लेके, विवेक बोले नहीं सब्जी नहीं तुमने बड़ी ली है घर में बनाना, बोले ठीक है मैं बना देती हूँ, उनको मेरे हाथ की अच्छी लगती है, तो फिर चलो एकदम फोर्स करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अभी वड़ी लेके आई, मैं आपको दिखाती हूँ वड़ी कैसी रहती है। नॉर्मल जो है ना प्याज टमाटर और अदरक के पेस्ट में तड़का देके बनाती हूँ मैं, बट बहुत टेस्टी बनती है एक्चुअली, वड़ी टेस्टी होती है ये खट्टी वाली। तो चलिए बनाते हैं, खाना वाना बनाऊंगी, बच्चों को खाना खिलाऊंगी, उनको सुलाना है, क्योंकि आज टप्पू भी बहुत टाइम से जगा हुआ है और दोपहर में बिल्कुल सुला नहीं था, और पीकू भी सुबह की जगी हुई है, तो आज बच्चों को थोड़ा जल्दी जल्दी सुलाना पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके की ये जो है ना बढ़िया होती है, इसमें क्या क्या डलता है मुझे पता नहीं है, बट इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत टेस्टी। इसकी जो खुशबू है ना, ऐसी कच्ची भी है ना वड़ी, इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ही अच्छी आती है, मतलब बस इसकी खुशबू से और उसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जल्दी जल्दी से बनाती हूँ। तो एक्चुअली हम लोग दो लोगों के हिसाब से जो है ना ये 3 टाइम में बन जाएगी इतनी, क्योंकि ये बहुत फूल जाती है, ये 3 टाइम में बन सकती है इतनी है। तो चलिए इसको बनाते हैं।